1955 में उड़ने वाला DC-4 प्लेन 35 साल बाद कैसे लैंड हुआ, आखिर इतने साल ये जहाज कहाँ था, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप मिस ना करें। आज की वीडियो में हम एक मिस्टीरियस प्लेन DC-4, जिसे घोस्ट प्लेन भी कहा जाता है, उसके बारे बताएंगे। न्यूयॉर्क से उड़ने वाली फ्लाइट 914 जो कि DC-4 प्लेन था उड़ा, उसकी डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क से मियामी तक थी। जैसे जहाज न्यूयॉर्क से उड़ा और मियामी के करीब था तो कंट्रोल टावर के रिडार से गायब हो गया। कंट्रोल टावर वालों ने कहा कि ये जहाज रिडार से गायब हो गया है और मियामी एयरपोर्ट पे लैंड नहीं किया। ऑफिशियल्स को ये बात पता लग गई और सब इस जहाज को ढूंढने में लग गए। सालों तक इस जहाज को ढूंढने के बाद ऑफिशियल्स ने कहा हम इस जहाज को नहीं ढूंढ सके और इसे मिसिंग जहाज होना डिक्लेयर कर दिया। खैर, कई साल गुजर चुके थे। मियामी से 2000 किलोमीटर के फासले पे वेंजुएला एयरपोर्ट पे कंट्रोल टावर पे बैठा इंसान सुकून से अपना काम कर रहा था और कॉफ़ी के मज़े उठा रहा था। अचानक उसके रिडार पे सिग्नल आते कि एयरपोर्ट की तरफ एक जहाज़ आ रहा है। पहले तो उसे यकीन नहीं आया क्योंकि उस टाइम कोई जहाज़ आने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जहाज़ के कैप्टन ने कंट्रोल टावर से कॉन्टेक्ट किया और बताया प्लेन में तकरीबन 60 पैसेंजर और 4 क्रू मेम्बर्स हैं, लैंड होने की इजाज़त दी जाए। खैर, कंट्रोल टावर पे जो बंदा था वो बहुत हैरान था। उसने रनवे खाली करवाया और वहाँ पे बहुत से ऑफिशल्स और पुलिस पहुँच गई। इतने में कंट्रोल टावर वाले से गलती हो गई, उसने बता दिया कि ये ईयर 1992 है। तो उस पे पायलट ने कहा ओह नो, ये हम कहाँ आ गए, और उसने जहाज़ के इंजन को स्टार्ट किया और जहाज़ को टेक ऑफ करने लगा। कंट्रोल टावर वालों ने बहुत कोशिश की कि इस जहाज़ को रोक लिया जाए, लेकिन वो जहाज़ फ्रीक्वेंसी से हट चुका था। 1955 का ये ओल्ड प्लेन देख के सब लोग बहुत हैरान थे। खैर, ये जहाज़ उड़ चुका था और कभी कभार इसकी झलक दिखाई देती थी। ये जहाज़ कभी कभी रडार पे आता और अचानक गायब हो जाता। बहुत से लोग इस स्टोरी को फेक मानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको अपनी आंखों से देखा वो बताते हैं कि ऐसा सच में हुआ था। ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रेंड्स, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।